तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगोंड नोएडा इंडिया से, और आज टोयोटा की इटियोस लीवा के गेयरबॉक्स फिटिंग के बारे में आज समझेंगे कि कैसे गेयर की फिटिंग होती है, क्योंकि ये रोज़ रोज़ तो गेयर खुलते नहीं है, जानते ही हैं। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, ऐसे करके 6 महीने, ऐसा कभी कभी खुलता है। और टोयोटा का खास कर गेयर कम, बहुत कम खुलता है। तो चूंकि मैंने खोला हुआ है कुछ कारण से, और उसमें कुछ कमी थी, तो आइए फिटिंग करते हैं इसको। फिटिंग का टोटल डिटेल में ही जानेंगे कि फिटिंग कैसे होती है, और गाड़ी चला फिरा के सब चेक करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो टोटल सफाई का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी फर्स्ट स्टेप अपना क्या है कि जब भी गियर करो एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है? ये सारी चीज़ें जैसे मैंने लाइन से रखी हुई है, गियर का कोई भी आइटम ऐसा ना हो कि एक गाड़ी में पड़ा हो, एक काउंटर पे पड़ा हो। गियर का एक ऐसा आइटम है जो सारे सामने होने चाहिए, तभी स्टेप बाय स्टेप लग पाता। कोई भी एक चीज गया तो फिर गियर ही खोलना पड़ता है दोबारा से। तो ये चुंबक है, जो भी गरारी का पार्ट्स, गरारियां घिसती हैं, उसके छोटे छोटे जो कण है वो इसके ड्रेन नट के पास में रहता है, तो इस पे चिपक जाती हैं। अभी मैंने साफ किया, बहुत गंदा हो रहा था, तो इसको यहाँ सबसे पहले फिट कर देंगे। चलो, ये क्राउन है। तो अभी 1 किलोमीटर की गरारी है, किलोमीटर को यही चलाता है, किलोमीटर दिखाता है, जो शो करता है वो यही गरारी शो करती है। इसके पीछे और सेंसर लगे हुए हैं, और ये बैरिंग है जो कि चेक करने होते हैं। बैरिंग, इधर वाला भी बैरिंग चेक करना होता है। ये गरारी के दांते सारे परफेक्ट हैं, मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी। दोनों एक्सल इसमें और नीचे एक साइड में इसमें, ये दोनों एक्सल राइट लेफ्ट में, दोनों एक्सल इसमें आते हैं। तो इसको हम आराम से रख देंगे, बस ये ओके है, ठीक है। उसके बाद से इसके सील चेक कर लेंगे, सील परफेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि लीकेज नहीं था इसमें। मेन और काउंटर दोनों को पहले सेट कर लेंगे, सही गरारियों में बिठा लेंगे। तीनों ले जाओ पहले। बस फर्क समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें क्या चीजें चेक करना है। तीनों एक साइड में बाहर आने चाहिए, ये तीनों कट, जहाँ की गोली चलती है जिसको वो रोक के रखता है, डिस्टर्ब नहीं होने दे। और ये तीनों गियर लगाने वाले जो कट है ना, ये बिल्कुल एक लेवल में आने चाहिए, मतलब एक ही लेवल में है, थोड़ा पकड़ रखे हैं ऊपर नीचे। तो काउंटर जैसे समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे फिट करें, तो ऐसे आसानी से फिट कर सकते हैं, इसका लोकेशन देख के तीनों का, ठीक है। अब डायरेक्टली ऐसे उठा के हमको रख देना है। पकड़ रहे, हाथ हटा दे, फाइल सील में देखने मुझे थोड़ा सा इसको इधर दाब, बस अब तीनों ये हंडी भगा, बस रुक जा, थम जा, ठीक है, ठीक है जी। मेन काउंटर ये फिट हो गया, तेरा चालू है ना कैमरा, क्योंकि ये गियर का काम है, बार बार मैं खोलूंगा नहीं, एक बार में फिटिंग है। हाँ, कभी ऐसा हो कि तेरा कैमरा चालू ना हो तो मुझे रिपीट करने का वो नहीं है, राय नाइट हो ऐसे ही है, ठीक है जी। ये दोनों लग गए, तीनों फोर्क लग गया बिल्कुल, तीनों फोर्क का देखना होता है फ्री है कि नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गोली गोली कुछ नहीं है, डायरेक्ट यही गोली है और कुछ नीचे गोली नहीं। अभी इसका ये वाला सिस्टम हम लोग लगाएंगे। अब ये है चेंजर का गुटका नीचे का, अब यहाँ रख लेंगे, और सबसे पहले थोड़ा थोड़ा गियर को ऊपर करके तीनों को, बस ये आ गया, तीनों इसमें लग गए। अभी इसको हम लोग पहले इधर घुमा लेंगे, तो, अरे उधर ही घुमा रहा हूँ, एक सेकेंड, बस ऐसे घुमा के थोड़ा उल्टी दिशा में नीचे कर लेंगे, अब फिर इसको इधर घुमा देंगे, चले बस, ठीक है, ये हो गया। अभी इसको लगाएंगे ये वाले को, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट का मार्का जो दे देता है ना कंपनी, तो कुछ इंडिकेट करने के लिए देता है,
इसको बाहर रखेंगे, लाइट मत बढ़ा दियो इसमें, ठीक है। ये इसके अंदर आ जाएगा, ये देखो ये इसके अंदर आ गया। अभी यहाँ पे पिन लग जाएगा, ये इशारे वाली अपनी रोड जो इशारे लगाता है, तो इसको ये दिख रहा है, ये इशारे वाली रोड है, ठीक है। ये चलो भाई घुस जाओ, चलो चलो चलो। अब इसमें हमें सेंटर कर लेना है इसका, बस अब मेरे को देखने दे, बस लगा रे, लगा लगा लगा। चलो एलंकी दे, अब इसे 6 mm की ये बोल्ट है एलकी वाले, अब इसको फुल्ली टाइट कर लेंगे। 2-3 बार चेक करना होता है कि लूज ना रहे बस। अब इशारे है, इशारा जो करते हैं ना इशारा, उसके अप डाउन तो ये गियर चेंज करता रहेगा, लेकिन जो इशारे से जैसे बैक लगाना था ऐसे दबा कर, फिर पहला लगाना है, कहाँ टक गया रे। और बस इसमें भी थोड़ा सा ये देखो, अब ये वाला शिफ्टर चलने लगा, फिर थोड़ा सा हल्का सा किधर अटक गया, बस अब ये वाला शिफ्टर चलने लगा बीच वाला, अब थोड़ा सा ये और घुमाएंगे तो फिर ये वाला चलने लगा। यानी कि ये इशारा है, कौन सा दबाव लगाना है ये यहाँ पे करेगा तभी इधर ऊपर नीचे होगा। यहाँ तक तो ठीक है, मसला ठीक हो गया। तो अभी ऊपर नीचे करेगा वो वाला शिफ्ट, ये यहाँ से करेगा ये वाला पॉइंट, ऊपर नीचे, और ये साइडों से करेगा, साइड का प्ले ऊपर नीचे का प्ले, क्योंकि ऊपर नीचे करने वाला इसमें है, तो अभी इसको भी लेके आता हूँ मैं। अभी ये सब फिटिंग हो गया, तब बैक गियर का सिस्टम फिट कर लेते हैं। बैक गियर की जो गरारी है, बैक गियर का जो चेंजर है, शिफ्टर और चेंजर दोनों, तो अभी यहाँ से शिफ्टर और चेंजर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इस वाले पिन को लगाना चाहो तो बेटर रहेगा, और ये वाला पॉइंट जो है ना गोल रॉकेट की तरह ऊपर ही जाएगा, ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ऐसे याद करना पड़ता है, तो ये रॉकेट वाला ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अभी हम इसके पिन को ये वाला निकाल लेंगे, और ये जो खांचा है ना इस वाले में बैठेगा जाके, ये देख रहे हैं ना खांचा, तो ये वाला खांचा इसमें जाके बैठ जाएगा, ताकि ऊपर नीचे करने में आसान हो जाएगी। अभी हम वहाँ लेके चले गए, अभी इस पिन का वार्सल चेक कर लेंगे, वार्सल है नहीं है, वार्सल है, वार्सल इसमें करके थोड़ा सा बाहर निकालेंगे ताकि ये गरारी में बैठ जाए, और उसके बाद से अभी देखो बैठ गए, ठीक है। ये बैक गियर हो गया, अभी लगा के भी चेक करेंगे हम, ठीक है। तो ये चेंजर फिट हो गया बैक गियर का, अभी 2 बोल्ट हैं इसके 12 mm के, तो इसको लगा लेंगे, गोटी टाइम उठा ले, अब मैं कहूँगा तभी उठाएगा क्या, देखता जा तू, खूब अच्छी तरीके से समझ ले, और तू भी समझ ले बढ़िया, ठीक है रे। बोल नहीं रहे हो दोनों के दोनों। अभी इसका जो सेंटर है, ये जो ये पिन का जो सेंटर है, ये हम लोग उसके इस हांडी के हिसाब से ही रखेंगे, तभी मैं उसका भी बताऊंगा। अभी अपना चेंजर इधर से फुल्ली टाइट हो गया, हाँ ये देखो ये खांचा बैठ गया इसमें, हाँ रे ये बैक लग गया, ये देखो ठीक है। इधर गरारी में आ जा, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे अभी मैं लगाऊंगा तो ये बैक गियर लगेगा, ये देखो लग गया ना, बस ये नीचे आ गया। तो ये लगा लगा के हमें चेक करना होता है कि बैक लगा कि नहीं, ये लग गया बैक, कहाँ फंस रहा, बस। तो यानी ये गरारी जो है ये बैक गियर में फंस जाती है, ये दोनों डिवाइस को एक साथ घुमाने लगती है, दोनों काउंटर और मेन को। सिर्फ इसका काम इतना है, ये दोनों काउंटर और मेन को घुमाने लगती है, फिर इसका मतलब बैक होने लगता है। देखो काउंटर और मेन दोनों में फंसी हुई है ना, अभी इसको नीचे कर दो, नीचे करियो जरा, बस ठीक है। अब देखो फ्री हो गई बैक गियर की गरारी, अभी फ्री हो गई, अब कोई भी काउंटर में भी नहीं है, मेन में भी नहीं है, इसलिए फ्री है। अभी सारा इधर से प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अभी हम लोगों को रखना होगा हांडी, तो हांडी अब लेके आते हैं, ठीक है। ये सीम है बैरिंग का सीम, अभी प्ले चेक करना होता है, प्ले यदि ज़्यादा है काउंटर का तो फिर सीम डाला जाता है, उसके ऊपर से ये सीम का कवर, ये सेंटर में करने के लिए, ताकि
सेंटर में ही रहे, ठीक है। अब ये कट किधर रखना है, वहां का लोकेशन देख के पता पड़ती है कि ये वाला कट ये किधर रखना है। तो ज्यादा बेटर रहता है कि ये दोनों के दोनों पार्ट्स को जो है ना वहीं फिट कर लिया जाए ग्रीस लगा के, उस कंडीशन में ज्यादा बेटर रहता है, बेहतर रहता है। बाकी यहाँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहां बेहतर ज्यादा रहेगा। मतलब ऐसा है कि जो पहली बार खोल रहे हैं तो फंस जाते हैं इन सब गियरों में, कि कैसे फंसते हैं मैं दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो ना पिन, यहाँ ये जो पिन, ये यहाँ पे चलती है, यहाँ पे बीच में आ गया, अरे उस हाँ बीच में आ गया ना, अब निकलेगा नहीं गियर, खूब कोशिश कर लो, लेकिन इसको साइड कर दिए तो निकल जाएगा। ये देखो, देख रहे हो ना, ये कलाकारी है। सिर्फ गियर निकालने के लिए इसे लोक निकाल के अंदर करना पड़ता है, फिर आराम से गियर निकल जाएंगे। भाई इतनी सी कलाकारी है, इतना ध्यान रखना पड़ता है। ये वाले खांचे में फंसता है वो जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी उसको लगाने वाले हैं, ऑयल वाला ग्रीस, ठीक है, वो लगाना होगा ताकि चिपक जाए। हमने प्लास्टिक का वो लगा दी पहले कवर, और ये चूंकि इस पे बैठेगा इधर इस पे, ठीक है, तो इसको यहाँ ना लगा के यहाँ जब फंसाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं सीधा इधर ही लगा रहा हूँ यहाँ पे, बस इसको दबा दो, थोड़ा सा फिनिशिंग मार दो ताकि फंसने में दिक्कत ना करें, ठीक है जी। अब ये भी लगा हुआ है, ये पत्ती भी लगी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट फंसी हुई है, तभी हम इसको इसमें फिट करने वाले हैं। बहुत पतला लेयर लगाना पड़ता है, एक बार ऐसा प्लेन करते हुए चलने चलना है बस। अब ये न्यूट्रल कंडीशन में रखना होगा इसको, न्यूट्रल कंडीशन में जैसा मैंने रख दिया, दोनों गरारी फ्री बीच में रखा हुआ, और पास में ले आ, पब्लिक को कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा सा बिल्कुल दिखा ये कट, ये देखो ये बीच वाले में रखा है, ठीक है, यहाँ रखना पड़ता है। और इधर देखो, ये एक भी पॉइंट छूटना चाहिए, ये अंदर दबा के रखना पड़ता है ताकि रोड के सीधाई से ना आए। ये देखो मैंने यहाँ अंगूठे से दबा रखा है, ठीक है। अभी इसको ऐसे उंगली फंसा लो यहाँ, चलो अब प्रभु श्री राम का नाम लेके इसे बिल्कुल स्ट्रेट जाने दो। ये अब यहां से कहां से देखें यार इसका, बस थोड़ा सा हल्का सा, यहां कलाकारी है सारी फंसाने का, दो आदमी भी नहीं फंसेगा। बस ठीक है, ऊपर से भी देखा थोड़ा दूर कर, ठीक है। ये मैंने छोड़ा नहीं है इसको, ये मैंने पकड़ के रखा है, और गियर पूरा प्रॉपर बिठा दिया, ठीक है। दो बोल्ट लगा जरा, ठीक है, ठीक है, ये लग गया। अब ये बाहर खींच लो और इसको अंदर करके लोग दे रहे, लाइव चलता रहा, बिल्कुल काट मत, ये लास्ट चल रहा है। अब ये हो गया, अब ना बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया, ये भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया, ठीक है। ये अभी अभी नहीं चेक करना है, अभी सारे बोल्ट को कस ले। अब सबसे पहले जो ना इसके स्प्रिंग को लगावेंगे, फर्स्ट काम यही है कि इस पे इसके स्प्रिंग को लगाया जाए। तभी हम लोग सबसे पहले बड़ा को ही लगाते हैं, ये अंदर गया इस गोली। अभी स्प्रिंग ले लो, तो इसमें दो स्प्रिंग है, एक साइज के बड़े बड़े दोनों स्प्रिंग। तो नीचे जो होता है वो हाई बी स्प्रिंग होता है, और जो ऊपर होता है वो लूज स्प्रिंग होता है। यानी हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि हाई बी सेट नीचे बैठा हुआ है, यानी नीचे है ये नीचे लगेगा, तो इसको हटा दो, बाद में आते हैं इस पे। अभी ये वाला स्प्रिंग लगेगा ऊपर में यहाँ, ठीक है। एक ये हो गया, स्प्रिंग लग गया, एक ये गोली डाल दिया मैंने नीचे। अभी एक छोटा स्प्रिंग लगा देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद से एक और गोली इसके अंदर दिखाई दे रहा रे, ये स्प्रिंग गोली गई, ये चल रहे स्प्रिंग कैसे नखरे कर रहा है। हाँ यार नाइट में भी नखरे। ये थ्री बॉन्ड के नाम से है, सुपर सीलर, ये बढ़िया है, कंपनी वाला ही है, मानो एक तरह से कंपनी यूज करती है। तो अभी हमको क्या करना है, थोड़ा चूड़ियों पे इसके लगा देना है, ठीक है। और इसको कोई किसी में फिट कर सकते हो, क्योंकि सबका सेम है। जब इधर का काम हो रहा है तभी तेरा टाइट इधर ही क्यों हो रहा है रे। हाँ रे,
इधर का हो गया, ठीक है ये हो गया। एक ही है ये, तेरा दिल कर रहा तो पांच का ही दे, कोई दिक्कत कोई दिल क्या एक तो चलेगा। बस ये हो गया, हमने लगा दिए। अब इससे क्या होता है, सारी रोड सेंटर में आ जाएंगे। ये हमने इसको टाइट किया सबसे पहले, ठीक है, ये तीनों बोल्ट टाइट हो गए, ठीक। इसलिए बोंड जो लगा हुआ वो लग ही रहने देंगे, ये वार्सल अपना डाल देंगे अलग से। अलग से क्या, इसी का वार्सल। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम अलग से अपना बोंड लगा देंगे, दोनों साथ में ही चलते रहेंगे कंपनी और हम, ठीक है। ये हल्का सा बोंड लगा दिया और यहाँ, ठीक है, यहाँ चूंकि ये गियर का शिफ्टर है, इसको सही से कंट्रोल करे पहले, इसको एक जगह पे रोक करे। देख रहे हो कैसे भागे फिर रहा है, धीरे गोटी टामी दे पोस्ट करके। हमने ये तीनों एलंकी टाइट कर दी, ये वाले शिफ्टर को हमने फिक्स कर दिया, अभी रह गया ये वाला शिफ्टर, इस सारे वाला रोड, तो उसको भी फिक्स कर देते हैं ये तीन आइटम लगा के। थोड़ा सा बोंड निकाल जल्दी से, ये गोली फिक्स है, इसमें गोली है, इसको अंदर डालते हैं ऐसे। उसके बाद से ये हाई बी स्प्रिंग, जो स्प्रिंग हाई बी होता है वो नीचे पलौथा मार के बैठता है, ऐसा करके बार कोड बनाया हुआ है खुद का, ताकि भूले ना भाई, क्या करें यार काम धंधे में हम लोग, बस आठ की हल्की दे फटाफट। अभी हम लोग इसे फुल्ली टाइट कर दो, बस देख रहे हो ना रिटर्न आ रहा है, ये देखो ये हो गया। अभी इसको हटियो, अभी इसको बैक लगाए, बैक लग गया, अब ऊपर नहीं लगेगा, कहें तो बैक दबा के लगता है, थोड़ा सा हल्का सा छोड़ेंगे, ये एक नंबर दो नंबर, थोड़ा सा और छोड़ेंगे तीन नंबर चार नंबर, अब ये पांच नंबर, ठीक है। ये देखो यहाँ ये चीजें लगा देंगे, जो गियर ऑयल हम लोग टॉप अप करते हैं, इसको फुल्ली टाइट कर लियो भाई। यहाँ बैक गियर स्विच है, जो हमने पिन दिखाई थी जो ऊपर निकला हुआ था रॉकेट की तरह, उसी पिन में ये लगेगा, ताकि हम लोग जैसे बैक गियर लगाएंगे तो हमें कैसे पीछे बैक लाइट कैसे पता चलेगा कि जल रही है कि नहीं, तो इसी गियर इसी लाइट की वजह से जलेगी, ठीक है। बस 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 बस, ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ लग जाएगा ब्रैकेट, दे बोल्ट दे, तीन बोल्ट दे। चलो अभी इसे टाइट कर लेंगे, मेन चीज है समझो पहले। अभी हमने सारा गियर कर लिया, ठीक है कंप्लीट, और जहां हमने सामान रखा हुआ था वहां देखना होता है कि क्या क्या बच रहा है, कोई ऐसा आइटम तो नहीं कि जो अंदर बच रहा है, तभी दो बोल्ट बच रहे हैं हमारे पास। ये दो बोल्ट कहाँ लगेंगे, अंदर लगेंगे, उधर ही फाइनल टेस्टिंग भी है, और एक पाइप लग जाएगा सिलेंडर वाला। चल पकड़, अभी दो बोल्ट यहाँ और यहाँ लग जाएगा, ठीक है। चलो तो दो बोल्ट वहां लगा, अब फाइनल टेस्टिंग कैसे करना है, इसको डिफरेंशियल को ये पकड़ के रखना है, चूंकि हमने न्यूट्रल पे वहां फिट करा हुआ है, तभी इसको घुमा के देखेंगे कि गरारी घूम तो ना रही है, दोनों गरारी एक साथ दिख रहा है, डिफरेंशियल की घूम नहीं रही है, ठीक है। दोनों गरारी एक साथ दिखाओ, ये घुमा रहा हूं मैं, ये घूम नहीं रही है, लेकिन अभी मैं गियर लगा दूंगा तो ये घूमने लगेगी, दिख रहा है ना, अभी न्यूट्रल कर दिया, अब घूमना नहीं चाहिए, थोड़ा सा इधर को कर ले ताकि मेरा हाथ भी दिखे, और ठीक है अब गियर लगा दिया मैंने नेक्स्ट, अब घूमने लगा, फिर न्यूट्रल कर दिया, सही है। यानी ये फाइनल टेस्टिंग है, ऐसे आपको टेस्ट करना है, यदि ये फ्री है न्यूट्रल पे है तो फिर गियर आपका बिल्कुल परफेक्ट है भाई, ठीक है। तभी यहाँ से ये दोनों बोल्ट फुल टाइट हो गया, अभी ये सारा कंप्लीट है, पलट इसको, ये तो भाई ये हमारा गियर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और दिखाने का मकसद यही है कि जो चीजें नॉलेज है भाई वो सब शेयर करूंगा, क्योंकि हमारे मिस्त्री भैया लोग वो लोग भी मुझे बताते हैं कुछ, मैं भी कुछ बताता हूँ, तो यही था भाई, यही है टोयोटा एटियोस लीवा, और फिटिंग करा रहे हैं इसके गियर को, फिर चला के चेक करते एक बार क्या कहानी है। इंजन देख लो, ये वाली इंजन बढ़िया है, गाड़ी चल रही है, मैंने चलाया फिर बढ़िया, अंदर से दिखा लो सारे गियर भी लग रहे हैं, आ जाओ। गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, ये देखो कलर दबा रखा है मैंने, दूसरा तीसरा
चौथा पांचवा बैग गया शीशे में देखो, ठीक है ये न्यूट्रल कर दिया, ठीक है तो यही था भाई गियर बॉक्स का फिटिंग का। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।